ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी कि मैं मेरा फ्रेंड, हम तीनों गाड़ी से आ रहे थे। हम मतलब एमिटी गेट 3B पे पहुंचे, तो वहाँ पे गाड़ी खड़ी थी एंडेवर, उसमें दो लड़कियाँ थी। हमने उनको बोला कि अपनी गाड़ी हटा दीजिए। ये बोला भी, मतलब अपने गार्ड को बोला कि आप इनसे बोलो गाड़ी हटा देंगे, तो उन्होंने गाड़ी नहीं हटाई। उन्होंने कुछ उल्टा उल्टा बोला, कि कुछ भी बोला, कि बोले क्या क्या बोल रहा है। हमने गार्ड को बोला कि गाड़ी हटवाओ, कि रोड पे खड़े कर रखी है। गार्ड ने गाड़ी रुकवा के हमारी गाड़ी आगे करवा दी। तो पीछे से मैम, जो मैम है वो लड़की है, उसने हमको बोला कि तेरे को चल भी चढ़ी है क्या। जैसे मेरा दोस्त हर्ष गाड़ी से उतरा और मैं उसके साथ था हमारे, हमने बोला, मैंने कहा आपको क्या तबीज नहीं है क्या, आप एक तो आप रोड के बीच में गाड़ी खड़ी करके बैठे हो और आप ऊपर से हमसे लड़ाई कर रहे हो। फिर वो बोलते 2 मिनट तेरे को तेरी औकात याद दिलाती है। फिर बाद में मैंने बोला कि नहीं भाई, लड़की है, हमें नहीं लड़ना चाहिए रोड के बीच में। मैंने क्लास में पूछ लो, हम तो क्लास चले गए। 1 घंटे बाद वो लड़की क्लास में कम से कम भी 20-25 लड़की लेके आ गई, और क्लास में पहले क्लास के अंदर घुस गया। और मैं पहले तो मैम ने उसको मना किया, उसने मैम की बात नहीं मानी। हर्ष यादव को देख के बोलते ये है येलो टी शर्ट वाला, इसको मारो। क्लास में 20-25 लड़की घुस गई और इन्होंने कुर्सी उठा के फेंकना स्टार्ट कर दिया और बदतमीजी इन्होंने स्टार्ट कर दी। हमारी क्लास में लड़कियां भी थी, उनको भी बहुत सारी चोट लगी, मेरे खुद को चोट लगी, बहुत चोट लगी, मेरे को भी पैर में लगी, हाथ में लगी। उसके बाद वो लड़की क्लास से भाग गए। उसके बाद हम डर गए थे, हमारी पीएल मैम थी, उनकी भी चोट लग गई थी। फिर उसके बाद हमने पीसीआर को इन्फॉर्म किया, पीसीआर बुलाई। फिर पीसीआर बुलाने के बाद हम बाहर वेट करते। इतने में हर्ष और मेरा दोस्त माधव वो थोड़ा आगे तक गए देखने की पीसीआर आएगी नहीं। वहां से 25-30 लड़के निकले, हाथ में रॉड, डंडे, ईंट, पत्थर ले गए, और इन्होंने हर्ष और माधव को मारना स्टार्ट कर दिया। और इतनी बेरहमी से मारा, सर में ईंट, हर्ष यादव के सर से खून निकल रहा था। फिर भी एक लड़का चेतन राव, उसके सर पे ईट मारे जा रहा था, हाथ में लेके राक्षस की तरह मार रहे थे। इतने में फिर वो भाग गए मार के। उसके बाद हमने हमने उनको सबसे पहले पकड़ा, सर पे पट्टी वट्टी बांधी, फिर उनको हॉस्पिटल ले गए। हर्ष के 7 स्टिचेज आए सर में, और माधव के 12 स्टिचेज आए, और अभी माधव ICU में है और उसके इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है। तो उसके बाद फिर कुछ नहीं, हमने फिर FIR लिखाई। FIR लिखाने का पता लगा उस लड़की ने पहले से ही हमारे खिलाफ लगाई कि हमने उसको मोलेस्ट किया। एक ईगो के चक्कर में उसने 2 लड़कियों की लाइफ खराब कर दी, और ये लड़की हम पे झूठा केस लगा दिया कि हमने उसको मोलेस्ट किया, उसको गाड़ी से पकड़ के बाहर खींचा, हमने उसको धक्का दिया। तो हम चाहते हैं कि आप हमारा सपोर्ट करें और हमारा साथ दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी लड़कियाँ गलत है, पर इस जगह ये लड़की बहुत गलत है। ये अपने मतलब ये अपने पल्लू सीधा करने के लिए दूसरों पर इल्जाम लगा रही है। तो बस आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है।